जय जिनेंद्र। कुक विद पनीषा में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है आटे की खीचे की चूरी। इसे काफ़ी जन पापड़ी भी बोलते हैं, पापड़ भी बोलते हैं। तो इसे कैसे बनाई जाती है चलिए देखते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। तो बनाते हैं खीचे की चूरी। तो खीचे की चूरी के लिए हमने लिए हैं यहाँ कुछ, ये देखिए आटे की खीचे हैं। इसके जगह आप चावल के भी खीचे ले सकते हैं, मैदे के भी ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स हमने चॉप करके रख ली हैं, टमाटो, ग्रीन चिली, फ्रेश कॉरिएंडर लीव्स और करी पत्ता। तो सबसे पहले ऑयल मैंने गरम होने के लिए रखा हुआ है। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम 1-1 ऐसे खीचे डालेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो हमें ध्यान रखना है कि खीचे हमारा रेड नहीं हो। ध्यान से फ्लेम स्लो कर दें और ऐसे तेल को झाड़ते हुए हम निकाल लेंगे। ऐसे हम 1 by 1 जो है खीचे इनको तल लेंगे। आप चाहो तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हो। ये खीचे जो है, खीचे की चूरी बहुत ही यम्मी लगती है। बॉम्बे में तो बहुत फेमस है, लोग होटल में जाके इसको खाते हैं। तो अब इस बार आप घर पे बना के देखिए, इतनी इजी रेसिपी, जब चाहें हम इसे बना के खा सकते हैं। तो खीचे हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, अब हमें इन्हें, ये गरम है, इनका चूरी बनानी है। चूरी बनाने के लिए हम इन्हें क्रश करेंगे, मतलब तोड़ देंगे, थोड़ी इनके साथ फाइट करते हैं। इस तरह से हम इनको तोड़ देंगे सारे को। तो आप देख सकते हैं इनको हमने क्रश कर लिया है और इस तरह से हमें कर लेना है। तो अब इसके लिए अब कढ़ाई में, उसी कढ़ाई से हम तेल निकाल लेंगे और हल्का सा नाम का रखेंगे। तो इस कढ़ाई में से मैंने बाकी तेल निकाल लिया है और इसमें हम हींग डालेंगे सबसे पहले, फिर क्यूमिन सीड्स डालेंगे, हल्का सा इनको रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली, टमाटो, करी पत्ता और इन्हें हम जस्ट 1 मिनट के लिए सोटे करेंगे। तो 1 मिनट सोटे करने के बाद में हम इनमें ऐड करेंगे सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, 1/2 स्पून से भी कम डालेंगे। रेड चिली पाउडर, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, तीखा पसंद हो तो हम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैं 1/2 स्पून से भी कम डाल रही हूँ। और थोड़ा हम डालेंगे जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो ये हमारे आटे के पापड़ बोलो, खीचिया बोलो, इसे ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है, क्रंची। ये मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कॉरिएंडर लीव्स। और अब हम इसे फ्लेम ऑफ कर देते हैं इसकी और ले लेते हैं सर्विंग प्लेट में। तो इसे मैं सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। तो सर्विंग प्लेट में हमने ले ली है, इसके ऊपर हम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं। कैसी बनी खीचे की चूरी, पापड़ की चूरी, पापड़ी की चूरी, जैसे हम बोल सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाली न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे फिर न्यू रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र।